हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 1-2 पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है, क्या कर रहा है। यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इसमें लिखा है 101 होल स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको दो क्या करते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दो फॉर्मूले से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। या फिर माइनस 2ab को बीच में रख लो, बी स्क्वायर को यहाँ पीछे कर दो, एक ही बात है। तो अब हमने ये दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 101 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कैसे भी करके इसमें या इस तरह हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 1 ही तो 101 होता है। 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा किसकी तरह दिखने लगा, a प्लस बी की तरह दिखने लगा, ठीक है। या फिर p प्लस क्यू कर दो, p माइनस क्यू बोल दो, यहाँ पर p बोल दो या फिर यहाँ q बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 100 प्लस 1 कर दिया। तो इससे करने से क्या हुआ कि हमारा अगर प्लस भी करते हैं तो हमारे पास 101 भी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे करने से हमारे पास ये हमारा फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखा कि ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, ओके। तो हम लोग इसकी जगह पे अब ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर 100 लिखेंगे, और जहाँ पर बी होगा वहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे देखिए कैसे करेंगे अब। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, 100 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 100 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी की जगह हमने लिखा 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2ab प्लस लिखा 2 इंटू ए क्या है 100 है, और b क्या है प्लस 1 है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100 क्या होगा 10,000 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10,000, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 इंटू 100 करो तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 100 इंटू 1, 200 इंटू 1 करो 200 ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस 200। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो वो 10,000 प्लस 1 प्लस 200, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10,201। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ए नंबर हो गया हमारे पास। अब करते हैं बी नंबर। बी में क्या है, 99 होल स्क्वायर, यहाँ पर बी, यहाँ लिखा 99 का होल स्क्वायर। अब 99 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये नियर किसके है, ये 100 के नियर है ना, और ये वाला हमारे किसके नियर था, ये हमारा था, ये भी था 100 के नियर। तो 100 के नियर था, तो इसे प्लस करने में 1 आ रहा है, ठीक है। और ये किसके नियर, 100 के नियर ये भी है, मगर इसमें हम लोग जब माइनस करेंगे तब आएगा 99। तो समझ गए ये बात। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कर सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1, ठीक है। तो 100 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो रही, मतलब बात तो वही है, या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो। इस तरह लिखने से हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और इसे हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 हमारा a है, b हमारा क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर जो 100 है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 1 है, माइनस 2ab, 2 इंटू a हमारा क्या है 100, इंटू b हमारे पास क्या है 1 है। समझ गए इतनी बात। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 होगा, यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और इसमें क्या होगा 200 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है, और फिर इससे माइनस कर दो, तो हमारे पास माइनस करने में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस, और इसको प्लस कर दो या फिर इसको माइनस करो, कैसे भी कर लो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास,
9801, ठीक है। तो बी हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे सी नंबर। सी में देखो क्या कह रहा है, सी में 105 होल स्क्वायर है। तो 105 होल स्क्वायर, अब इसको कैसे करोगे? तो ये भी देखते हैं कि ये हमारा 100 प्लस 5 कर दें, है ना, तो 105 हो जाएगा हमारा। 100 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा ऐसे करने के बाद ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो प्लस बन रहा है ना, प्लस लिखा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए हमारा क्या है 100, बी है 5, ए स्क्वायर 100 स्क्वायर हो जाएगा, बी हमारा क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर करो तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पास आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, प्लस 2 से करो इसे मल्टीप्लाई, 200 इंटू 5 पर 5 टू 10 हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 1000, अब इसे प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 25 प्लस 1000, 10,000 तो ये गलत हो गया, यहाँ पर आएगा 10,000 है, तो यहाँ पर 11,025 आ जाएगा, 11,025। तो सी नंबर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना, डी भी करना है। तो डी नंबर में कितना दिया है, 998 का होल स्क्वायर, ठीक है, 998 होल स्क्वायर। कितना इजी है, ये भी कर लेंगे, बहुत इजी है ये, क्या 998 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लो। ये हमारा देखो 998 तो किसके नियर है, 1000 के नियर है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1000 माइनस 2, तो ये क्या सही नहीं है। देखो 1000 में 2 माइनस करो तो 998 आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं होगी। और अगर माइनस करते हैं तो भी ये आता है, और ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बस हमें अब क्या करना है, इसमें हमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूले को लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा a है, हाँ 1000 हमारा क्या है a है, तो 1000 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या है, 2 हमारा क्या है b है, b का सॉरी यहाँ पर 2 लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 1000 है, इंटू बी हमारे पास क्या है 2 है। अब क्या करो, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। प्लस 2 का स्क्वायर करो तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 इंटू 1000 करो तो 4000 हो जाएगा, हो गया इतना। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 996004, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, डी हो गया। अब देखो ई में क्या है, 502 है, ठीक है। तो 502 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 500 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और वैसे इसमें भी 1002 है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 प्लस 2, ठीक है, फिर इसमें होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये तो खुद से ट्राई करो, बहुत ही चीज़ हम बता भी दे रहे हैं। जैसे ई नंबर में क्या है, क्या करना कि 500 प्लस 2 करो, तो 502 है ना ये, तो ये होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें प्लस वाला लग जाएगा, समझ गए, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। वैसे ही इसे भी करना है, इसमें क्या करना, 1000 प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। अब करते हैं 4 में, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे होगा, बहुत ईजी, ये भी बिल्कुल 3 की तरह है। तो क्वेश्चन ए में क्या, 38 होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बोलो स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 नंबर,
ए है 4 का, यहाँ पर क्या करना है हमें 38 होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे इसे, देखो हमें किस फॉर्मूले में सॉल्व करना है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। देखो यहाँ लिखा है पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, पी प्लस क्यू एक ब्रैकेट में है, फिर है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ठीक है, इतना समझ गए। अब करना क्या है इसको, अब हम देख पा रहे हैं इसे कि ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये पहले से p माइनस क्यू के फॉर्म में, ठीक है, अगर इनको हम एक ब्रैकेट में कर दें ऐसे, देखिए 38 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये q हमारे पास क्या 12 समझ लो, तो अगर ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिए तो ये बिल्कुल हमारे फॉर्म लिखते हैं दिखने लगा, इसको हम लोग p मान लो 38 को, q को मान लो 12 मान लो, ठीक है। तो अब हमें जब ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से अब ये हम लोग बना देंगे, जहाँ पर P बोला वहाँ 38 लिख दो, जहाँ पर Q है वहाँ पर 12 कर दो, यहाँ पर करो 38, प्लस लिखा हुआ है प्लस लिखो, यहाँ पर 12 करो, और यहाँ पर क्या 38 है P की जगह पे, और माइनस है यहाँ पर 12 कर दो। अब करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 38 प्लस 12 करो तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करना है, 38 में माइनस 12 करो तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 26 करो इंटू 5 करो क्या हो जाएगा 130, और जीरो लगाए तो जीरो लगा दो तो क्या हो जाएगा 1300। तो ये आंसर आ गया, कितना इजी, बहुत इजी, कुछ करना पड़ा नहीं। तो अब इसी का हम लोग करते हैं बी नंबर, तो बी में हमारे पास क्या कह रहा है, बी में है 65 इंटू 55। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए पहले तो हमें स्क्वायर दे रखा था मगर अब इसमें तो दिया नहीं, तो भाई कैसे कर लेंगे इसे। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना है पता है? नहीं पता। देखो अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी ध्यान होगा, हमने जैसे सॉल्व किया था बिल्कुल इसी तरह हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कोई दिक्कत हो जाएगी, देखो 65 की जगह पे 60 प्लस 5 लिख दें, ठीक है, और 50 की जगह पे हम लोग 60 माइनस 5 लिख दें। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हम 50 प्लस 5 भी लिख सकते थे, है ना। तो हम आपको बता दें कि हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है या फिर ऐसे करना है कि ये हमारा पी पी सेम आए और क्यू क्यू सेम आए। हम पी से बोल रहे हैं इसलिए देखो पी प्लस क्यू हो गया, 60 प्लस 5 हो गया, और पी माइनस क्यू हो गया, बस सिर्फ साइन चेंज होने चाहिए, और यहाँ पर P दोनों का सेम हो और Q भी दोनों के सेम होने चाहिए, हमें ऐसे इसे सॉल्व करना है। तो बात समझ में आ रहा है, हमने इसको ऐसे ही सॉल्व क्यों किया, क्योंकि अगर 60 प्लस 5 करते हैं तो 65 हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाए तो बीच में मल्टीप्लाई होता है पता होगा, और 55 तो 60 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 55 भी होता है, ठीक है। तो ऐसे करने से हमारे पास क्या मिल गया, हमें दोनों P भी मिल गए और दोनों Q भी मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा क्या फॉर्मूले में एक तरह से बन गया। तो जब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है तो इसकी जगह पे हम लोग क्यों ना, इसकी जगह पे ये बना है हमारा पे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, अब इसको उठा के हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, समझ गए। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये है कि जहाँ पर अब ये पी है वहाँ पर ये 60 लिख देंगे, ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है कि माइनस है, माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 5 है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 5 होल स्क्वायर। अब ये बात समझ में आ रही है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पहले वाले देखो इस क्वेश्चन हमें ये मिल गया था तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब सेकंड क्वेश्चन हमें ये मिल गया तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो भी मिलेगा उसका हम लोग बदलते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, 6 6 36 होगा, और 00 करो तो क्या होगा 3600 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर पता होगा 5 5 25 होता है, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस करने में 3575 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो समझ गया ना ये कैसे किया, बस, या फिर आप ये फाइंड कर लो या फिर ये फाइंड कर लो, अगर ये फाइंड होता है तो इसमें कन्वर्ट कर दो, अगर ये वाला पार्ट फाइंड होता है तो इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो, बस इतना इजी है। तो बी हो गया, अब आते हैं हम लोग फिर से सी में, सी क्या कह रहा, 43 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग कैसे करेंगे समझ लो, अब हम फिर से अपने
फॉर्मूले में आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूले को, पी माइनस क्यू का ऑफ क्यू लिखना है यहाँ पर, क्यू का क्या करना है, ये स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम देख पा रहे हैं अगर हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा ये बन गया फिर से। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी हमारा क्या हुआ 43 हुआ और क्यू हुआ हमारा 17। ठीक है, ये तो हमें मिल गया है, अब हम लोग ये बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, पी की जगह पे लिखेंगे 43 प्लस लिखा हुआ है, क्यू की जगह पे 17 लिख देंगे, तो ये क्या होगा पी प्लस क्यू, अब पी माइनस क्यू लिखेंगे तो 43 माइनस 17। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो इस क्वेश्चन में हमें ये मिला था, ये तो हमने इसमें कन्वर्ट किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें ये मिल गया है तो हम लोग ये मिल गया है तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, बस इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, प्लस करने में 7 + 3 = 0 कैरी 1 4 5 6 60। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, अब इन दोनों में क्या करना है हमें माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 आएगा ऐसे माइनस करने में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1560। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सी का आंसर हो जाएगा, तो समझ गई है। अब हम लोग करते हैं अगला, क्या है ये, कहाँ गया डी नंबर, डी में क्या 1004 है। ठीक है, सॉरी 100.4 इंटू 99.6 है। ठीक है, 1000 नहीं है, 100.4 है और मल्टीप्लाई 99.6 है, ये कौन सा है डी नंबर है, लिखते हैं यहाँ पर 100.4 इंटू 99.6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग फिर से फॉर्मूले को लिख लेते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो ये क्या हुआ पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू हमारा फॉर्मूला गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे हमने बी नंबर किया था ना वैसे ही इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे हमें ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोगों को बनाना है इसके फॉर्म में, तो अगर हम लोग यहाँ पर ठीक है लिख देते हैं 100 + 0.4 तो क्या ये हमारा ये नहीं हो जाएगा, अगर हम लोग इसे प्लस करेंगे तो 100.4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100 - 0.4, तो जब माइनस करेंगे तो 99.6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 99.6 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा बन गया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये दो पी प्लस क्यू हो गया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। तो जब हमारे पास ये आ चुका है तो हम लोग अब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो जहाँ पर पी है वहाँ पर 100 लिखेंगे, जहाँ पर क्यू वहाँ पर 0.4 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो पी ओ सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 100 स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू हमारे पास क्या है 0.4 का स्क्वायर, अब क्या करो कि इसका स्क्वायर निकालो तो 100 इंटू 100 करो तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस 0.4 का स्क्वायर करो तो 0.16 आ जाएगा, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस करने पे आ जाएगा हमारे पास 4×9 आएगा 0.84 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो डी नंबर हमारा हो गया, अब क्या बच रहा है अच्छा ई नंबर, तो 15² - 10। ठीक है, तो ये बिल्कुल सी की तरह करना है, और ये वाले स्क्वायर वाले तो इजी होते ही हैं, इस बार क्या होगा ये है हमारा आपके पास, इसमें कन्वर्ट कर देना सिंपल है। क्या करना है, 15 क्या है पी है और 10 क्या है क्यू है, जहाँ पर पी है वहाँ पी रखो क्यू रखो प्लस करो फिर माइनस कर देना फिर बीच में मल्टीप्लाई कर देना, ईजी हो गया। अब आ जाते हैं फाइव में, फाइव में हमें क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ 12a = 50 × 50 - 38 × 30। बहुत इजी है, चलिए इसे देखते हैं। फाइव नंबर इसमें क्या कह रहा है, ए है फाइव का 12a = 50 × 50 - 38 × 38। इन दोनों को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करो पहले, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले समझो, कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो भैया हम निकालेंगे तो 12a = 50 × 50 करो क्या होगा 5×5 = 25। ठीक है, फिर क्या 00 लिख दो, अब 38 × 38 करो
कितना आ जाएगा, 1448 आ जाएगा, ठीक है, 44 आएगा, 1444, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1056 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 12A है। अब क्या करते हैं, जो 12 है ये A के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इक्वल्स टू के इस साइड चला जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1056 डिवाइड बाई 12, इसको इससे कैंसिल करो तो कितने टाइम चला जाएगा, 88, ये आ जाएगा आंसर। कितना इजी था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, माइनस किया और लिख दिया, ठीक है। अब इसका बी नंबर देखते हैं, बी में क्या है, कह रहा है 23A, लिखते हैं पहले 23A इक्वल्स टू क्या है, 68 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, 63 स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले 63 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 45 का स्क्वायर, फिर इन दोनों माइनस, तो 23 इक्वल्स टू 63 इंटू 63, ठीक है, माइनस 45 इंटू 45। अब क्या करो, 23A इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा, 4624, ठीक है, मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2025, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23A इक्वल्स टू, माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, तो इन दोनों माइनस करने पे आएगा 2599, डिवाइड अभी नहीं करते हैं। तो अब देखो 23A के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, अब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2599, ठीक है। ये तो पता होगा, इक्वल के इस साइड आता है तो अपोजिट में हो जाता है, तो 23, अब इसको क्या हुआ, डिवाइड करो तो कितने टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 113, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ख़राब हो गया स्वेटिंग से, तो चलिए ये तो हो गया हमारा आंसर बी नंबर। अब बी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, थैंक यू।